जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में जिस कथा को हम सुनने वाले हैं वह कथा पद्म पुराण से ली गई है। राजा जनक को नरक लोक के दर्शन क्यों करने पड़े, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार स्पिरिचुअल ज्ञान पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, राजा जनक ने जो ही योग बल से शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले गए। विमान महाराज को समनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। जो ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छू कर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही सुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो यम में मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो ईस्ट, हत्यारे और पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा, पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, दंभी, द्वेष और उपहास करके मन, वाणी, शरीर, कभी भगवान का स्मरण ना करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरक में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। आप तो पुण्यात्मा हैं, यहाँ से अपने प्राप्य दिव्य लोक में जाइए। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुंचा रही है, तब मैं कैसे जाऊं? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दो तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में चला जाऊंगा। यमराज ने पापियों की ओर संकेत करके कहा, हे राजन, मैं इन्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ? इन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाली मित्र पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोहशंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक अग्नि में पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहां यह नपुंसक होगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्याभिचार में प्रवृत्त था। 100 वर्षों तक रोरव नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर उसका उपयोग किया था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पुयशोणित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। आप यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो अपना पुण्य इन्हें अर्पण कर दीजिए। एक दिन प्रातः काल शुद्ध मन से आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दीजिए, उसी से इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य उन्हें दे दिया, जिसके प्रभाव से सारे प्राणी नरक यातना से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, आपका जीवन तो पुण्यों से भरा हुआ है, पर एक दिन आपने एक छोटा सा पाप कर दिया था। एक दातु चरंती गाम,
वर्यमास वे भवान तेन पाप विपाकेन निर्य द्वार दर्शनम। अर्थात आपने चरती हुई गोमाता को रोक दिया था, उसी पाप के कारण आपको नर्क का दरवाजा देखना पड़ा। अब आप उस पाप से मुक्त हो गए हैं और इस पुण्य दान से आपका पुण्य और भी बढ़ गया है। आप यदि इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों का नर्क से कैसे उद्धार होता? आप जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दयाधाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में ही लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर है, पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से उन्होंने आपको यहाँ भेजा था। तदंतर राजा धर्मराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। ये कथा जिसका श्रवण हम सभी ने किया है, यह पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 28 और 29 में दी गई है। आशा करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे श्री कृष्णा। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है, कथा पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं, कथाएं सुनना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरी।